सो सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, साथ में मिलकर काम करना, जैसे डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज कर रही है, उस टर्म का क्या मतलब होता है कि वो आपस में एक ही टाइम पर एक्टिवेट है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए या डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसी भी सेंस में हो सकता है, बट सिंक्रोनाइजेशन का मतलब दोनों एक साथ एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक्टिव और एक इनएक्टिव हो, इसको हम सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते। तो यहाँ पर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, लेट्स सी, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब आपके जब मल्टीपल कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस रन करती होती हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो लाइक उसमें ऐसी प्रोसेसेस जो आपस में बीच बीच में कम्युनिकेट भी करती हैं, आपस में डेटा शेयर भी करती हैं, मैसेज पास करती हैं, तो इस टाइप के प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, आपस में कोऑपरेट करके चल रही हो सिस्टम के, तो उनको रन करने के लिए उनको आपस में सिंक्रोनाइज करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनको एक साथ एग्जीक्यूट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि सारी प्रोसेसेस को उनके लिए टाइम टू टाइम उनके रिसोर्सेज उनको दिए जाएं जो वो डिमांड कर रही हैं, और कोई भी ऐसा ना हो कि एक जो आपकी प्रोसेस है वो स्टॉप हो और दूसरी रन हो रही है, ठीक है, तो दोनों को आपस में कुछ कुछ टाइम के लिए रिसोर्सेज देकर के आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस करवाना ही सिंक्रोनाइजेशन। तो आगे इसको देखते हैं थोड़ी पार्ट में, व्हेन टू और मोर प्रोसेस ऑपरेट्स विद ईच अदर their order of execution must be preserved, otherwise there can be conflict in their execution and inappropriate output can be produced. जब दो या दो से ज्यादा cooperating processes साथ में काम कर रही होती है तो उनका क्या करना पड़ता है, हमको execution, order of execution को preserve करना पड़ता है, यानी कि उनको ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों process के बीच में conflicts ना हो, ऐसा ना हो कि एक रिसोर्स पे ही दोनों एक साथ डिमांड दे रही है और वो रिसोर्स स्टक हो जाए, दोनों में से किसी को भी ना मिल पाए, कम से कम वो एक प्रोसेस को तो मिलना ही चाहिए और कुछ टाइम बाद में दूसरी प्रोसेस को भी मिलना चाहिए, तो दोनों प्रोसेस साथ में वर्क करनी चाहिए। यही आपके सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस टास्क को कैसे कम्प्लीट करता है। A cooperative process is one which can affect the execution of other process or can be affected by execution of other process, right? Cooperative process है, तो ये दूसरी process के execution को affect कर सकती है और दूसरी process के execution से affect भी हो सकती है, क्योंकि ये independent नहीं है, ये दूसरे के साथ में मिलकर काम करने वाली process है, correct? तो क्या होता है कि इसके अंदर such processes need to be synchronized so that their order of execution can be guaranteed. तो ऐसी processes को synchronize करना जरूरी है ताकि इनका order of execution क्या हो पाए, guarantee हो पाए कि ये continuously work करेंगे, right? The product procedure involved in preserving the appropriate order of execution of cooperative processes is known as process synchronization. और इसी को 100% श्योर करने के लिए कि उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन स्मूथ चले, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। देयर आर वेरियस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म दैट आर यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द प्रोसेस। अब ये थ्योरेटिकली तो हमने पढ़ लिया कि सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है, ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको क्या क्या चीजों से डील करना पड़ता है, अब हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें जो प्रॉब्लम होता है, हम प्रॉब्लम ही इसको बोल सकते हैं, एक ऐसी कंडीशन है जो प्रॉब्लमेटिक, दैट इज रेस कंडीशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आप रेस कंडीशन टर्म बहुत सुना, तो एक्चुअली रेस कंडीशन क्या होती है इसको ध्यान से देखना। अ रेस कंडीशन टिपिकली अकर व्हेन टू और मोर थ्रेड्स ट्राई टू रीड राइट एंड पॉसिबली मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द मेमोरी दैट दे आर एक्सेसिंग कंकरेंटली। जैसे रेस होती है, सिंपल जनरल लाइफ की भी रेस की बात करें, जब सपोज गेम्स में रेस हो रही है 100 मीटर 200 मीटर जो होती है, अब वहां पर क्या होता है, जो आपकी फिनिश लाइन है वहीं तक एक पहुंचने के लिए ही तो कोई पर्सन रेस करेगा, ठीक है, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, राइट, सब सारे जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको सेम डिस्टेंस मिलती है, 100 मीटर ही मिलते हैं सब लोगों को,
बट किसी की स्पीड स्लो होती है, किसी की स्पीड फास्ट होती है. ट्रैक तो सेम है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन उनमें से एक ही क्या करता है, फिनिश लाइन तक सबसे पहले पहुंचता है. क्यों पहुंचता है? क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी, राइट. अब आप ये समझिए कि वो जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे सिस्टम में, वो क्या है, प्रोसेसेस हैं. अब वो प्रोसेसेस क्या करती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, और बाद में जब उनको रिक्वायरमेंट होती है कहीं पर रीड की, राइट की, या मेमोरी को एक्सेस करने की, तो वो सबसे पहले उसको एक्वायर करने की कोशिश करती है ताकि वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो पाए. बट अगर किसी केस में क्या हो कि दो प्रोसेसेस एक साथ किसी रिसोर्स को डिमांड करे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टक हो जाता है कि अब किसको दिया जाए. तो ये कंडीशन तब आती है जब मोर देन टू प्रोसेसेस कंकरेंटली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं किसी एक ही रिसोर्स, ठीक है. तो उस अगर उनकी प्रायोरिटी सेम है, सब कुछ सेम है, तो वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी डिसाइड करने के लिए कि किस प्रोसेस को वो रिसोर्स दिया जाए, है ना. जैसे कि अगर आपकी जो रेस हो रही है जनरली, तो उसमें अगर टू पार्टिसिपेंट एक साथ फिनिश लाइन तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल सेम टाइम पे उन्होंने रिबन टच किया, तो क्या होगा, उनके बीच में टाई हो जाएगा. वहां पर तो वो ट्रॉफी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो रिसोर्स एक ही है, वो एक ही को मिलेगा, मोर देन वन को मिल ही नहीं सकता है. तो यहाँ पर वो डिसीजन लेना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा. तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेस कंडीशन. क्लियर है रेस कंडीशन. इसको सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैकेनिज्म अपनाता है, दैट इज क्रिटिकल सेक्शन. ओके, क्रिटिकल सेक्शन. द रीजन ऑफ अ प्रोग्राम दैट ट्राई टू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज एंड मेक आउट रेस कंडीशन आर कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन. To avoid race condition among processes, we need to assure that only one process at a time can execute within the critical section. Critical section क्या होता है basically आपका? See, operating system ने एक method बनाया है यहाँ पर. ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहाँ पर एक मैकेनिज्म बनाया है. एक कॉमन इसने क्या ले लिया, कोई रिसोर्स किसी शेयर्ड रिसोर्स की डिमांड करे, जब भी कोई प्रोसेस किसी शेयर्ड रिसोर्स की डिमांड करे, तो उसके लिए उसको इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आना जरूरी है. वो बाहर से किसी रिसोर्स की डिमांड नहीं कर सकता. अगर करेगा तो उसकी डिमांड को वैलिड डिमांड नहीं माना जाए, उसको इस सेक्शन के अंदर आके ही अपने रिसोर्स लेने पड़ेंगे, राइट. इससे होगा क्या, सपोज अपने पास तीन चार प्रोसेसेस एक साथ चल रही है, P1 चल रही है, P2 चल रही है और P3 चल रही है. अब P1 अपना कुछ टास्क एग्जीक्यूट कर रही थी, ठीक है, P2 भी अपना कुछ टास्क एग्जीक्यूट कर रही है और P3. अब कभी ना कभी इनको शेयर रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी हो गया, डिस्क हो गया, ठीक है, आपका रैम हो गया, जिसमें कि बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ आ सकती है, इनमें से किसी भी शेयर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिमांड रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम को कि उसको ये रिसोर्स रिक्वायर्ड है, राइट. तो उसके लिए जब तक ये किसको डिमांड नहीं कर रही है, अपने अपने कोड एग्जीक्यूट कर रही है, ये प्रोसेस अपना कोड एग्जीक्यूट कर रही है सेपरेटली, ये अपना कर रही है और ये अपना सेपरेटली कर रहा है. बट जैसे ही इनको किसी शेयर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रिटिकल सेक्शन की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि क्या क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है. अगर एम्प्टी है यानी कि खाली है, वहां ऑलरेडी कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है, तो ही क्रिटिकल सेक्शन इस प्रोसेस को यहाँ एंटर होने देगा. सपोज ये अभी फ्री है बिल्कुल, तो ये क्या करेगा, इसको P1 को इसके अंदर एंटर करने की परमिशन दे देगा, ठीक है.
अब पी वन इसके अंदर आ गई, इसने मेमोरी मांगी, ठीक है, इसने मेमोरी की डिमांड की, इसको मिल गई और ये अभी काम कर रहा है मेमोरी पे। अभी जब तक ये फ्री नहीं करेगा उस रिसोर्स को, तब तक ये क्रिटिकल सेक्शन को लीव नहीं करेगा। कब लीव करेगा ये? जब ये मेमोरी को क्या कर देगा, लीव कर देगा, राइट। तो अभी ये काम कर रहा है इस शेयर्ड रिसोर्स पर। अब सपोज जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा था जो ड्यूरेशन में, पी टू को भी एक शेयर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हुई, सपोज मेमोरी रिक्वायर्ड हुई, तो ये यहाँ से तो डायरेक्टली डिमांड कर नहीं सकता अपने कोड से। तो ये क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन की अवेलेबिलिटी चेक करेगा कि क्या क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है। तो क्योंकि ये क्रिटिकल सेक्शन इस टाइम पर एम्प्टी नहीं है, अभी ऑलरेडी पी वन है इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, इसको इसके अंदर एंटर करने की परमिशन ही नहीं दे। और जब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर ही नहीं हुई, तो वो डिमांड ही नहीं कर सकता। जब तक उसको एंट्री नहीं मिलेगी, तब तक वो किसी भी शेयर रिसोर्स की डिमांड नहीं कर सकती। ओके, अब जैसे ही पी वन ने फ्री किया, पी वन ने मेमोरी फ्री कर दिया और पी वन चली गई, स्वैप आउट हो गई आपकी क्रिटिकल सेक्शन से, यानी कि ये क्या हो गया, फ्री हो गया, एम्प्टी हो गया। तो अब पी टू को ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने देगा और फिर उसका काम भी हो जाएगा। ऐसा करने से क्या चीज सॉल्व हुई, वो रेस कंडीशन सॉल्व हो गई, जो कि ये जो प्रोसेसेस थे एक साथ डिमांड करने पे जो कंडीशन आपकी राइज हो रही थी, रेस कंडीशन, उसको क्रिटिकल सेक्शन में सॉल्व कर दिया, राइट। सही बिल्कुल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि भाई जब डिमांड ही नहीं कर सकती कोई प्रोसेस, एक से ज्यादा प्रोसेस एक टाइम पर, तो फिर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। दैट इज सॉल्यूशन फॉर योर रेस कंडीशन। तो इसमें भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज चलती हैं। अभी तो सिंपली मैंने क्रिटिकल सेक्शन का मतलब बताया, अब ये काम कैसे करती है एक्चुअली, वो हम लोग आगे इन डिटेल्स के अंदर देखेंगे सेमाफोर में और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा। The critical section problem. Critical section is a part of a program which try to access shared resource. That resource may be any resource in the computer like memory location, data structure, CPU or any input output device. The critical section cannot be executed by more than one process at the same time. Ek same time per ek se zyada processes critical section ko execute nahi kar sakte. Operating system faces the difficulty in allowing and disallowing the processes from entering the critical section. अब ये जो method है critical section में, किसको entry मिले किसको नहीं मिले, check कैसे हो कि critical section full है या empty है, वो सारी चीजें हम लोग आगे discuss करेंगे, right? तो इसमें operating system को problems face करने पड़ सकती हैं, ये चीज ये point बोल रहा है। Okay. अब सीधा आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसकी पूरी थ्योरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं थ्रू दिस डायग्राम। ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे बताऊं फिर। इतना क्लियर है क्लास, रिप्लाई कीजिए चैट में, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, व्हाट इज रेस कंडीशन एंड व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन, इज दैट क्लियर? Yes, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या बात है, सुन रहे हैं आप लोग या नहीं, मैं पूछूं फिर क्वेश्चंस। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपके सिंक्रोनाइजेशन के अंदर ही आता है कि जो रिक्वायरमेंट है सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को अप्लाई करने की, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का मतलब है कि हम प्रोसेसेस को इस तरीके से डील करते हैं, मोर देन वन प्रोसेस को, कि वो आपस में प्रोग्रेसिव वे में एग्जीक्यूट हो, स्टेप ना हो, रेस कंडीशन ना आए। तो उसके लिए जो अपने रिक्वायरमेंट्स बनते हैं, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स एंड सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स, वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो आपकी है दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. Our solution must provide mutual exclusion. By mutual exclusion, we mean that if one process is exhibiting inside critical section, then the other process must not enter in the critical section. जो भी synchronization mechanism apply कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो हमने critical concept ये पढ़े हैं इसके अंदर कि हमको किस तरीके से solve करना है. अब हम उसको प्रैक्टिकली जब अप्लाई करने जाएंगे किसी प्रोग्राम से या किसी मेथड से, तो वो हमको क्या क्या चीजें उसको हमको देनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी उस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म से, वो चीजें हमको क्या. ओके, तो फर्स्ट इज हमको क्या चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन चाहिए. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब अगर एक प्रोसेस एट अ टाइम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो दूसरे प्रोसेसेस को उस टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन के आउटसाइड होना चाहिए. ठीक है, सपोज जो मैंने थ्योरी आपको बताई क्रिटिकल सेक्शन की, उसके लिए मैंने एक अपने ही नाम से सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म बनाया. प्रैक्टिकली भी प्रोग्रामिंग कोडिंग के थ्रू ही बनेगा वो चीज, राइट. वो तो कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को बताया. जब उसको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कराऊंगी तो मैं उसके लिए कुछ कोड भी लिखना पड़ेगा, थोड़ी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, तो वहां पर जो सॉल्यूशन में बना रही हूँ वहां पर उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो तो बाकी सारी प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन के बाहर होना चाहिए. एक ही टाइम पर एक से ज्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं हो सकते. दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम एनी सिंक्रोनाइजेशन मेथड. ओके, सो ये वाला डायग्राम अगर हम कहें तो बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है हमारा क्रिटिकल सेक्शन मैकेनिज्म. और अगर इस डायग्राम की बात की जाए कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक टाइम पर मोर देन वन प्रोसेसेस एक साथ हैं तो ये गलत. अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर भी मोर देन वन प्रोसेसेस आ गए तो फिर क्रिटिकल सेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता, राइट. तो ये होता है आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम वाला जो फर्स्ट पार्ट था म्यूचुअल एक्सक्लूजन. वही हमारी पहली प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्रेस. प्रोग्रेस मींस दैट इफ वन प्रोसेस डजंट नीड टू एग्जीक्यूट इनटू क्रिटिकल सेक्शन दैट इट शुड नॉट स्टॉप अदर प्रोसेसेस टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. अब ये जो प्रोसेसेस आपस में सिंक्रोनाइज करके काम करती है, कम्युनिकेट करके काम करती है, ये क्या होना चाहिए, दूसरे प्रोसेस के प्रोग्रेस को हार्म नहीं करना चाहिए. ऐसा ना हो कि वो कुछ ऐसे मैसेजेस पास कर रही है या ऐसे कुछ सिग्नल्स पास कर रही है कि दूसरे प्रोसेस के प्रोग्रेस हार्म हो. तो हमारा जो आपका सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म हम बना रहे हैं उसके अंदर प्रोग्रेस इंश्योर होनी चाहिए, ना तो वो किसी दूसरे प्रोसेस के सिग्नल से इफेक्ट होनी चाहिए प्रोग्रेस उसकी, और ना ही उसको किसी दूसरे प्रोसेस की प्रोग्रेस को हार्म करना चाहिए. ओके, ये थी आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स. अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी रिक्वायरमेंट. सेकेंडरी रिक्वायरमेंट के अंदर फर्स्ट है आपकी बाउंडेड वेटिंग. वी शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द वेटिंग टाइम ऑफ एवरी प्रोसेस टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. द प्रोसेस मस्ट नॉट बी एंडलेसली वेटिंग फॉर गेटिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. दैट मीन्स अपनी जो प्रोसेसेस है वो क्या होनी चाहिए, हम उनको वेट करवा सकते हैं आउटसाइड. जैसे इस डायग्राम में आपने देखा था तो भाई ये प्रोसेसेस क्या कर रही है, वेट कर रही है कि कब ये क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो तो हम इसमें एंटर करें और फिर अपने रिसोर्सेज डिमांड करें. दैट इज ओके कि हमने उनको बाहर वेटिंग जोन में रखा, लेकिन ये वेटिंग क्या होनी चाहिए, एंडलेस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए. देन मीन्स हम प्रिडिक्ट करना चाहिए हमको कि इसका टाइम कब आ जाएगा, इसका टाइम कितने देर बाद आ जाएगा और इसका कितनी देर बाद आ जाएगा. That waiting should be predictable होनी चाहिए, right? And next is architectural neutrality. That means आप जो भी mechanism बनाओ वो किसी भी architecture पे काम करना चाहिए. Means आप किसी भी system, किसी भी company या कुछ भी operating system आप कुछ भी use कर रहे हो तो उन सब पे वो synchronization mechanism work करना चाहिए बिल्कुल ठीक से. तो ये हम जो भी अब सेमाफोर जैसे हम पढ़ेंगे वो एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है.
तो वो भी इन सारी चीजों को फुलफिल करता है। तो ये उसी के रिक्वायरमेंट्स थे कि जो भी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म हम लोग बनाएंगे उसके अंदर अपनी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, और ये सारी चीजें आ जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो वैसे भी अपने जो प्रोसेसेस हैं वो इजीली सिंक्रोनाइज हो जाएंगी, हमको जो सिंक्रोनाइजेशन हम चाह रहे हैं वो हमको अच्छी हो जाएगी। इतना क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। सपोज हम विदाउट क्रिटिकल सेक्शन सिंपली मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ रन कर रहे हैं, ठीक है? आपकी क्वेरी जो है क्रिटिकल सेक्शन आपको समझ में नहीं आया सर, ओके, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज अपनी फोर प्रोसेसेस रन हो रही है, P1, P2, P3 और P4. ये चारों अपनी प्रोसेसेस हैं, ठीक है? अब अपने पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इनको सिंक्रोनाइज करने का, लेट सपोज इस एंड पर, तो क्या होगा? प्रोसेस P1 अपना कोड एग्जीक्यूट कर रही है जो भी इसको स्पेस मिला है, ऐसे ही प्रोसेस P2 भी एग्जीक्यूट कर रही है जो भी इसको स्पेस मिला है, एड्रेस स्पेस, और ये P3 भी चल रही है और ये P4 भी चल रही है। अब किसी पॉइंट पर P1 को रिक्वायरमेंट हुई CPU, तो P1 ने CPU के लिए इस इंस्ट्रक्शन के अंदर अपनी रिक्वेस्ट जनरेट की है फॉर CPU, ठीक है? उसी टाइम लेट सपोज P3 भी CPU को एक्सेस करना चाह रही है, उसने भी CPU के लिए सेम रिसोर्स के लिए क्या की, एक रिक्वेस्ट जनरेट की है, राइट? इन दोनों का जो टाइम था रिक्वेस्ट करने का वो एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम, पॉइंट का भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो अब जो आपका OS है जो हैंडल कर रहा है इस सब को, वो क्या करे, दोनों प्रोसेसेस सेम प्रायोरिटी की हैं, सेम टाइम पर एक रिसोर्स डिमांड इन्होंने किया है, तो अब इसको डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि किस प्रोसेस को पहले रिसोर्स दिया जाए, राइट? तो ये कंडीशन अपनी क्या कहलाती है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं रेस कंडीशन, व्हेन टू और मोर प्रोसेसेस रिक्वेस्टेड फॉर एनी रिसोर्स साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस कंडीशन। इस रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ये वाला क्रिटिकल सेक्शन वाला मेथड हम लोग, ठीक है, कि ये चीज ना हो, ऐसा ना हो कि सारी प्रोसेसेस बैठी है और कभी अपने रिसोर्सेज डिमांड कर रही है, सबको अलाउ किया हुआ है कि आप कभी भी रिसोर्सेज डिमांड कर सकते हो, और दो या तीन प्रोसेस एक साथ किसी रिसोर्स की डिमांड कर दे तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर स्टक हो जाए, ऐसा होगा ना यहाँ पर तो। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन आया, दैट इज क्रिटिकल सेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि नहीं, हर एक प्रोसेस कभी भी रिसोर्स डिमांड करे ये मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए तो उसको क्रिटिकल सेक्शन, एक ऐसा शेयर्ड सेक्शन होगा सारी प्रोसेसेस के लिए, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करके ही आप रिसोर्स मांग सकते हो, बिना क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आए आप रिसोर्स डिमांड नहीं कर सकते बाहर बैठे, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, इस चीज का सोल्यूशन कैसे निकला, P1 अपना एग्जीक्यूट हो रही थी आराम से, इंस्ट्रक्शन अपनी एग्जीक्यूट कर रही थी, अब इसको एक रिसोर्स चाहिए, तो ये यहीं पर डिमांड नहीं कर सकती, ये क्या करेगी, OS को बोलेगी कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री दिलाओ बिकॉज आई वॉन्ट अ शेयर्ड रिसोर्स। तो OS क्या करेगा, देखेगा कि पहले क्या क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, एम्प्टी यानी कि वहां कोई प्रोसेस पहले से ना हो, तो अगर एम्प्टी है तो वो इस P1 को यहाँ पर एंट्री दे देगी, देखो इसने दे दी एंट्री, अब ये प्रोसेस हम ये बोल सकते हैं कि मास्टर है, इसको जो रिसोर्स चाहिए ये आराम से बैठ के डिमांड कर सकती है, आराम से अपना काम कर सकती है। P3 इसी टाइम पर P3 भी क्रिटिकल सेक्शन को डिमांड करे अगर, तो ऑलरेडी आपकी P1 आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है, ऑलरेडी आपकी P1 एंटर्ड है, तो ये P3 को नहीं करेगी अलाउ, P3 को ये वेट करने को बोलेगी, आउटसाइड रखा है ना क्रिटिकल सेक्शन से, तो ये P3 को क्या कर रही है, वेट करवा रही है कि भाई आप अभी इस सेम रिसोर्स की डिमांड नहीं कर सकते। तो इस टाइम पर तो ये मैटर सॉल्व हो गया कि वो P1 को CPU दे देगा, जब P1 का टास्क कंप्लीट होगा तो P1 बाहर चली जाएगी और फिर P3 आएगी।
यस बिल्कुल सही जस्ट वन प्रोसेस एट द टाइम इन क्रिटिकल सेक्शन और यही मैटर फिर रेस कंडीशन से हमको बचाता है. अभी क्लियर है ये? जब पीवन लीव करेगी क्रिटिकल सेक्शन को तो क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी हो जाएगा और उस केस में फिर कोई दूसरी प्रोसेस इसके अंदर आ सकता है. ओके, तो ये था आपका बेसिक व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन और हम जो भी मेथड अप्लाई करने वाले हैं, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म अप्लाई करने वाले हैं, उनसे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स. ओके राइट, अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज सेमाफोर. सेमाफोर अपना जो टॉपिक है वो है ही आपका एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म. सेमाफोर एंड मॉनिटर, ये दो मेथड चलते हैं प्रोसेसेस को आपस में सिंक्रोनाइज करने. तो अब इसको देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा क्योंकि इसमें हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये प्रोसेसेस को अलाउ या ब्लॉक करवाता है. तो इसको ध्यान से देखना. सबसे पहले तो व्हाट इज सेमाफोर. सेमाफोर इज द वेरिएबल व्हिच स्टोर the entire backup calls that are being transferred from producer to consumer. It is a variable on which read, modify and update happen automatically. Semaphore cannot be implemented in the user mode because this condition may always arise when two or more processes try to access the variable simultaneously. It always needs support from the operating system to be maintained. अब हम लोग जो क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं वहां पर किसी ना किसी को तो बैठना पड़ेगा ना उसको डील करने के. इसके अंदर हमने जो डायग्राम डिस्कस किया था, अब यहाँ पर कौन से प्रोसेस कब आ रही है, यहाँ पर अगर हमको टेक केयर करना है कि कौन सी प्रोसेस कब आ रही है और प्रोसेसेस को कैसे पता चले कि ये जो क्रिटिकल सेक्शन है एट अ टाइम एम्प्टी है या फुल है, उसके लिए भी कुछ इंडिकेशन होना चाहिए ना प्रोसेसेस के लिए, तो प्रोसेसेस को एंटर कर जाएंगे इसके अंदर. तो यहाँ पर सेमाफोर जो टेक्निक है वहाँ पर सेमाफोर इज अ वेरिएबल. ठीक है, जैसे हम वेरिएबल यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, जस्ट लाइक दैट इट इंटीजर वेरिएबल है. इसकी वैल्यू के बेसिस पर प्रोसेसेस को पता चलता है कि आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो अवेलेबल है या फिर नहीं. ओके, इसीलिए बोला है सेमाफोर इज द वेरिएबल जो आपकी अवेलेबिलिटी को चेक करवाता है. अब ये जो सेमाफोर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, इसके भी कैटेगरीज है. अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन सेमाफोर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. दो कैटेगरीज बनती है इसकी. फर्स्ट कैटेगरी इज काउंटिंग सेमाफोर एंड सेकंड इज बाइनरी सेमाफोर और म्यूटेक्स. ये पूछा भी जाता है, शॉर्ट नोट में आया हुआ भी एक बार, व्हाट इज म्यूटेक्स. तो ये इस नेम से भी आपसे पूछा जा सकता है कि बाइनरी सेमाफोर या फिर म्यूटेक्स क्या होता है. अब फर्स्ट कैटेगरी में आपकी काउंटिंग सेमाफोर. जैसे कि मैंने बताया ये जस्ट क्रिटिकल सेक्शन की अवेलेबिलिटी चेक करने का और उसको अच्छे से प्रोसेस करवाने का. क्रिटिकल सेक्शन जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसको अच्छे से रन कैसे करवाया जाए कि भाई प्रोसेसेस एक से ज्यादा एंटर ना हो पाए, राइट, प्रोग्रेस भी करती रहे, वेट भी अच्छे से होता रहे. तो उसका ही ये मैथड है एक प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल सोल्यूशन. तो कैसे देता है ये सोल्यूशन? There are the scenarios in which more than one process need to execute in critical section simultaneously. However, counting semaphore can be used when we need to have more than one process in critical section at same time. See, यहाँ पर हमारे जो processes हैं, कई ऐसे scenarios आते हैं जहाँ पर more than one process को एक साथ demand करते हैं critical section. अब किस
प्रोसेस को ये अलाउ करे या डिनाई करे वो कैसे डिफाइन होता है इसके अंदर, तो वो इसका अपना मैथड है, वो मैथड इसके आगे डिस्कस किया. And this mechanism, the entry and exit in the typical section are performed on the basis of the value of counting symbol. यहाँ पर जो एंट्री और एक्सिट है क्रिटिकल सेक्शन का, अपना जो ये क्रिटिकल सेक्शन है एंट्री वही यहाँ से ही होगी. This is the entry point और exit आपका कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा. ये है आपका exit point. Exit का मतलब बाहर जाना processes का, और entry का मतलब इन processes के अंदर उसका आना. Right? तो ये कैसे तय होता है, ये तय होता है आपकी counting semaphore के अंदर. Semaphore जो variable है उसकी value क्या है उस time पर, इससे decide. The value of counting semaphore at any point of time indicates the maximum number of processes that can enter in the critical section at the same time. A process which want to enter in the critical section first decrease the semaphore value by 1 and then check whether it get negative or not. If it get negative, then the process is pushed in the list of blocked processes. Otherwise, it gets entered in the critical section. अब इस पैराग्राफ को आप ध्यान से समझिए, तो पूरा चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए. A process which want to enter in the critical section first decrease the semaphore value by 1. अगर यहाँ पर semaphore की करंट वैल्यू हो 0, तो ये वैल्यू क्या है 0. तो और अब कोई न्यू प्रोसेस आ रही है, अब कोई न्यू प्रोसेस इसमें आना चाह रही है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो सबसे पहले जो टास्क वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी वो क्या करेगी, इस सेमाफोर के वैल्यू को डिक्रीज करेगी बाय 1. तो अगर सपोज एक प्रोसेस है पी टू, वो आना चाह रही है क्रिटिकल सेक्शन में, तो वो क्या करेगी, पहले एस वन की वैल्यू को माइनस. अब 0-1 होगा तो क्या आउटपुट आएगा आपका, -1. अब सेमाफोर की वैल्यू क्या हो गई, -1. Then check whether it get negative or not. Yes, it get negative. If it get negative, then the process is pushed in the list of blocked process. अगर ये negative जाती है तो ये क्या होगा आपका, blocked processes में चली जाएगी, list of blocked. तो आपका जो ओएस है यहाँ पर एक लिस्ट बनाना चाहिए. ये आपका -1 वाली वैल्यू वाली प्रोसेस यानी P2, जिसने की क्या किया, इसकी वैल्यू को -1 कर दिया. राइट, ब्लॉक लिस्ट में जाने का क्या मतलब है कि इसको एंट्री नहीं मिली, दिस इज ब्लॉक लिस्ट. अगर अलाउ कर देते तो ये एंटर कर जाता है, अदरवाइज इट गेट एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन. और अगर नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव कब नहीं होता, नेगेटिव भाई कब नहीं होता, अगर इस सेमाफोर की वैल्यू क्या होती, 1, राइट, या फिर पॉजिटिव में 2, 3, 4, तो क्या होता, 1-1 0 आ जाता, और 0 आ जाता तो क्या होता, वो यहाँ पर एंट्री मिल जाती. तो जब भी कोई प्रोसेस आती है इनिशियली इसकी जो वैल्यू होती है सेमाफोर की, दैट विल स्टार्ट विद 1. फर्स्ट प्रोसेस अगर आएगी तो वो क्या करेगी, 1-1 और आउटपुट आ जाएगा आपका 0, तो उस केस में उसको एंट्री मिल जाएगी. लेकिन उसने सेमाफोर की वैल्यू को क्या कर दिया है, 0, क्योंकि ये क्या है, एक हम ये मान सकते हैं इसको एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह, जिसकी एक ही वैल्यू चलेगी. तो अगर 0 हो गया और नेक्स्ट प्रोसेस उसी टाइम पर आई, ठीक है, सपोज जब सेमाफोर की वैल्यू 1 थी तो आपकी P1 आएगी, P1 ने सेमाफोर की वैल्यू को -1 किया, दैट मींस 1-1, 0 हो गया, 0 कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो फिर इसको एंट्री नहीं. अभी इसके अंदर कौन सी प्रोसेस बैठी है, P1, करेक्ट. अब उसी टाइम आपकी P2 भी आ गई, P2 ने भी 0, लेकिन 0 हो चुकी थी वैल्यू, उसको फिर से -1 कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो आउटपुट आएगा माइनस में आएगा, और इसको
कहाँ भेज दिया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीधा ब्लॉक लिस्ट इसको अलाउ नहीं किया। तो इस तरीके से वो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही है, मोर देन वन प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही, राइट। टाइम भी अप होने वाला है। इतने कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अभी तक पूछ लीजिए, बाकी हम कल कंटिन्यू करें, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। अभी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, प्लीज पूछ लीजिए। Thank you.